मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब सैमसंग उससे पहले की स्थिति से बहुत आहत था। ये लगभग अपने कैंपस को बाइंड अप करने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यहां से अब जाएंगे। और जब मैं आया था तो मैंने उसी समय मार्च 2017 में सैमसंग इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी आप चिंता मत करिए, अपना कार्य प्रारंभ करिए। और मैंने अपने उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री को कहा कि भाई आप जाइए, इनके जितनी भी समस्याएं उनका समाधान करिए और अगले एक सप्ताह के अंदर प्रयास होना चाहिए कि सैमसंग अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। और 2018 में मुझे याद है तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट मून ने सैमसंग इंडिया के इस मोबाइल फोन निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए स्वयं दो राष्ट्राध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग इंडिया, सैमसंग उसे चीन से भारत में और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है, जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुका है।